हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं शैतान की असली भूतिया घटना सुनाने जा रहा हूँ, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं इस कहानी को। जयपुर से आई ये घटना भी अजीब है। शाम के 5:30 बजे का समय था। मैं अपने कार्यालय से निकलकर घर की ओर चला। मार्ग में हरीश पान दुकान वाले की दुकान थी। एक पान खाना और एक बनवा लेना मेरी दिनचर्या में शामिल था। उस रोज पान की दुकान पर 3 से 4 लोग और खड़े थे। हरीश के हाथ फुर्ती से चल रहे थे। उनसे निपट कर पान वाला पान लगाने को आतुर था कि एक साधु वहां आ गया। सावला सा चौड़ा बदन, लंबे और उलझे हुए बाल, केसरिया वस्त्र, एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में चिमटा। हरीश ने झुककर प्रणाम किया और फिर उनको पान लगा कर दिया। साधु की ओर एक पान बढ़ाया। साधु ने उस पान को अपने मुंह में रख लिया और वहां से चल दिया। मैं हंसने लगा, वाह भाई, मेरा पान लगाना छोड़कर तुमने एक निठल्ले साधु को फटाफट पान बनाकर दे दिया। मेरी बात सुनकर पान वाला सकपका गया। कुछ कदम दूर गए साधु ने मेरी तरफ मुड़ा और एक बात कही और गुस्से से मेरी तरफ मुड़कर मुझे देखने लग गया। मेरी तथा साधु की निगाह 2 पल को मिली और उसकी गुस्से भरी आँखें मुझे भीतर तक छेद रही थी। बगैर कुछ कहे साधु चला गया। हरीश ने पान लगाकर मुझे थमाया तथा दूसरे पान को बांधता हुआ बोला, आपको इस बाबा के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था, यह बाबा बहुत चमत्कारी है। मैंने उस पान वाले से कहा, तुम लोग भी इस पाखंडी बातों में आ जाते हो, मैं नहीं मानता इन लोगों को। और मैं यह कहकर अपने घर की ओर बढ़ने लगा। उसके बाद ही पान दुकान पर काफ़ी देर हो गई थी। अब रात के 8 बज चुके थे। यहाँ से मेरा घर तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर था और मुझे सुनसान रास्ते से होकर गुजरना था, इसलिए मेरे पैर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। काली अंधेरी रात थी। झाड़ियों में से झिंगुर के बोलने की आवाज़ आ रही थी और बिल्लियों के रोने की आवाज़ आ रही थी। एक डर की एक अलग ही दास्तां मुझे सुनाई दे रही थी। मैं थोड़ी ही दूर पर पहुंचा था कि मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई कदम बढ़ाते हुए आ रहा है। तेज़ी से बढ़ रहे हमारे पैर कदम से कदम मिला रहे थे। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया सिवाय अंधेरे के। फिर मैं तेज़ी से आगे बढ़ने लगा तो अचानक मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी। तो मैं फिर एक बार पीछे मुड़ा तो मैंने अंधेरे में पेड़ों के मोटे शाखाओं के बीच किसी को देखा। एक पल के लिए मैं सकपका गया। मुझे लगा इतनी रात को मेरा पीछा कौन कर रहा है। मैंने बड़े ध्यान से फिर उस पेड़ की ओर देखने लगा लेकिन मुझे फिर कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया और फिर मैं अपने घर की ओर बढ़ने लगा। पता नहीं आज क्या हो रहा था, घर की ओर जाने वाले रास्ते मेरे लिए आज खत्म ही नहीं हो रहे थे। आगे बढ़ते हुए मैंने अपने से थोड़ी ही दूर पर अंधेरे में उसी साधु को देखा जो मुझे पान की दुकान पर मिला था। वो अंधेरे में वहीं खड़ा था। मैंने सोचा शायद यही होगा जो मेरा पीछा कर रहा था। चलो आज मैं इसकी खबर लेता हूँ, और ये सोचकर मैं उसकी ओर बढ़ने लगा। जैसे ही मैं उसके करीब पहुँचा अचानक वो मेरी आँखों से ओझल हो गया, कुछ पता ही नहीं चला। मुझे अच्छी तरह से याद है वो साधु वहीं था जो मेरी नज़रों से एक कदम सामने था। पहली बार मुझे इस तरह के डर का एहसास हुआ था। मुझे पान वाले की कही बात ध्यान में आ रही थी। उसने कहा था ये साधु बहुत चमत्कारी है और मैंने तो इस साधु के बारे में कई अपशब्द बोले थे। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मेरा दिमाग भ्रमित हो रहा है। अचानक मेरे कलेजे में बहुत तेज दर्द होने लगा। ऐसा लग रहा था मानो पूरा प्राण निकल ही गया हो। दर्द से छटपटा कर मैं वहीं गिर गया सड़क के किनारे।
अब मुझसे उठने की भी ताकत नहीं थी। मैं वही दर्द से चीख रहा था कि अचानक वो साधु फिर मेरे सामने आया। उसे देखकर मैं एक कदम पीछे होने की कोशिश करने लगा। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। मैंने उस साधु से माफ़ी मांगी, पर वो साधु मुझे एक शब्द भी नहीं कह रहा था और अपने कमंडल में से पानी की कुछ बूंदें मेरे ऊपर मारी। पानी की बूंदें मेरे शरीर पर गिरते ही ऐसा महसूस हुआ कि मानो शरीर से पूरा खून निकल गया हो। मेरा खुद के शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं था। मेरे हाथ पैर कुछ भी काम नहीं कर रहे थे और देखते ही देखते ये साधु फिर गायब हो गया। रात और गहरी होती जा रही थी। मैं अकेले उस सड़क के किनारे लेटा हुआ था, एक जिंदा लाश की तरह। अब मैं सिर्फ देख सकता था, सुन सकता था, लेकिन कुछ भी बोल नहीं सकता था। मेरी आवाज़ छिन चुकी थी। मैं अपने आप में बहुत घुटन सा महसूस कर रहा था। मुझे यही लग रहा था कि जितनी जल्दी सुबह हो जाए और मुझे कोई यहाँ से उठाकर ले जाए। मैं बता नहीं सकता कि उस समय कैसा लग रहा था। रात के अंधेरे में मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था और बहुत ही अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर पर कोई और नियंत्रण कर रहा है। धीरे धीरे रात ढल गई। सुबह हुई तो रास्ते में गाड़ियों की चहल पहल थी। उसी बीच हमारे एक चाचा वहीं से गुजर रहे थे कि अचानक उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। उन्होंने पूछा, आखिर क्या हुआ, यहाँ ऐसे क्यों गिरे हुए हो? मैं बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन मेरे मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। उन्होंने कहा, चलो कोई बात नहीं, घर चलो, वहाँ बात कर लेंगे। और वो ये कहकर मुझे गाड़ी के अंदर बिठा दिए। मेरी हालत देखकर उन्हें बहुत ही अजीब सा लग रहा था और थोड़ी ही देर में मैं अपने घर तक पहुँच गया। वहाँ मेरे परिवार वाले काफ़ी परेशान थे। उन सब ने मुझे उठाकर एक बेड पर रख दिया और सभी कोई पूछने लगे, आखिर क्या हुआ था? मैं कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। उन्होंने कहा, चलो कोई बात नहीं, पहले इन्हें एक अच्छे डॉक्टर से दिखवाते हैं। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने आकर मुझे कुछ इंजेक्शन भी लगाए और कुछ दवाइयाँ भी खाने को दी और कहा, इन्हें आराम करने दो, दो तीन दिन तक ये खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। दो तीन दिन क्या, एक हफ्ते निकल गए, लेकिन मेरी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। मेरे घर वाले काफ़ी तनाव में थे, पर अचानक ही एक बार रात को जब मेरी आँख लगी हुई थी तो नींद में मुझे वो साधु दिखाई दिया। वो साधु मुझे लगातार यही कहे जा रहा था कि अपने इस हालत के जिम्मेदार तुम खुद हो। मैंने उस साधु से कहा, ठीक है, मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है और आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। ये कहते ही अचानक मेरी नींद खुल गई। मैंने पाया मेरे दोनों पैर और हाथ काम कर रहे थे, पूरा शरीर स्वस्थ हो गया था। मेरी सुधरती हालत को देखकर मेरे परिवार वाले खुश हो रहे थे। अब मेरा पूरा शरीर स्वस्थ हो गया। तब मैंने अपनी पूरी आपबीती अपने परिवार वालों को सुनाई। तो कहानी अगर पसंद आई है तो लाइक करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। पता नहीं यहाँ तक सुने भी हो कि नहीं, तुम कर लेना यार, सुन लियो तो।